थे या फिर नहीं, लेकिन ब्लैकलिस्ट थोड़ी सी चेंजेस जरूर होने वाली है। वो यहाँ पर देख रहे हैं, मूवमेंट्स को ऑब्जर्व करने की कोशिश की जा रही है कि क्या यहाँ पर कोई मूवमेंट्स ऐसी कैप्चर हो जाए जहां पर वो उनके ऊपर हावी हो। लेकिन अगेन वहां पर किलर हम लोगों को नजर आ रहा है, काफी ज्यादा पीछे की तरफ, आगे की तरफ उनको आना पड़ेगा। आरडीपी काफी ज्यादा क्लोज आ चुके हैं, आइकॉनिक के काफी ज्यादा फेवर उनको मिल सकता है, लेकिन पहाड़ी एक अलग ही रोटेशन पे नजर आ रहे हैं और पहाड़ी को वहां पर आराम से पकड़ सकता है ब्लैकलिस्ट का प्लेयर। लेकिन देखने वाली बात है कि क्या उनको पकड़ने में सक्षम होंगे या फिर नहीं। अगर वहां पर पहाड़ी डाउन होता है हो जाते हैं तो आई एम श्योर यहाँ पर फेवर मिल जाएगा ब्लैकलिस्ट को। एंड ये चीज बखूबी हम लोगों को देखने को मिलती है कि जिस भी टीम का एक प्लेयर डाउन होता है तो वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिसबैलेंस हो जाती है। लेकिन वहां पर आइकॉनिक को स्पॉट कर लिया गया है और आइकॉनिक को काफी ज्यादा डैमेज यहाँ पर दिया गया है। लेकिन क्या ये डैमेज उनके लिए वैल्यूएबल होगा या फिर नहीं, दोनों प्लेयर यहां पर सिक्रोन की शील्ड ऑन जरूर कर लिया और आइकॉनिक ने एक बहुत ही प्यारा कवर बनाया, पीछे से सपोर्ट देने की कोशिश की गई है, बट क्या इस सपोर्ट वैल्यूएबल होगा या फिर नहीं ये बखूबी देखने वाली बात रहेगी। लेकिन फाइनली जिस चीज का इंतजार कर रहे थे वो हम दोनों के लाइक हमारे सामने भी सिक्रोन आ चुका है। वो थोड़ा सा बेट यहाँ पे बनाया एंड किलर उस चीज का बेट का बहुत ज्यादा परफेक्ट इस्तेमाल करते कोबरा को यहाँ पर डाउन कर दिया गया। बट सवाल ये उठता है कि ट्रेड फायर यहाँ पर निकाल पाएगी ब्लैकलिस्ट इंटरनेशनल या नहीं। फिलहाल तो फीनिक्स के पास एक बहुत अच्छा हाइट एडवांटेज है, बट अली बॉय को भी यहां पर डाउन कर दिया है। किलर गोइंग क्रेजी राइट नाउ, दो प्लेयर्स को यहां पर ढूंढ लिया ऑलरेडी। आइकॉनिक का एक ग्रेनेड बहुत अटैकी हो सकता है, बट मिरुल फाइनली यहां पर एक प्लेयर को डाउन जरूर करेंगे। आइकॉनिक का जो ग्रेनेड था वो खुद को यहां पर डाउन कर लिया गया, बट पीछे से आरडीपी आएंगे, सपोर्ट दिया गया, एक प्लेयर और भी डाउन हो जाएंगे। वन प्लेयर रिमेनिंग फॉर ब्लैकलिस्ट इंटरनेशनल एंड इट्स ऑल फॉलिंग अपार्ट एज वेल। फीनिक्स क्या अपने टीम को यहां पर बचा पाएंगे, सवाल वो उठेगा। यहां पर निकाल लिया उन्होंने बट लैंड माइन का इस्तेमाल करके एक प्लेयर को डाउन करा था। आरडीपी इज डाउन ऑलरेडी बट आइकॉनिक एंड किलर दोनों यहां पर मिलकर के ब्लैकलिस्ट इंटरनेशनल को यहां पर एलिमिनेट कर देगी। दिस इज अ ह्यूज विन फॉर टीम एलीट एंड पहला फाइट यहां पर उन्होंने निकाल लिया अपने फेवर में बिना किसी प्लेयर को यहां पर गवाए। मजा आ गया ये देख करके, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू सी। एंड किलर भाई साहब, ये प्लेयर हमेशा जब भी काम इनका आता, एक टीम को जरूरत होती है इस प्लेयर की, हमेशा हमेशा स्टैंड अप करता है अपनी टीम के लिए। Devil in a rage, call 911, I'm a killer.